लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल। पूर्व प्रधान काली चरण ने ठोकी तार, प्रतिपक्ष की उड़ी नींद। उन्नाव जनपद में प्रधानी का चुनाव अपने गर्मजोशी से लगातार तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। ग्राम पंचायतों में चुनाव अपने शीर्ष पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। जनपद में बेहद अहम समझी जाने वाली ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत डी में भी चुनावी सरगर्मी बेहद तेज हो चली है। ग्राम पंचायत डी में कई बार प्रधान रह चुके काली चरण ने एक बार फिर से प्रधानी पद के लिए ताल ठोक दी है। ग्राम पंचायत डी में नाली, सड़क, खरंजा, पेयजल, आवासीय पट्टा से लेकर विभिन्न परियोजनाओं के जरिए ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने का दावा करने वाले काली चरण उर्फ काली चरण मन्ना अपने ग्राम पंचायत से बेहद सरल, सौम्य व ग्रामीणांचल की राजनीति में गहरी पैठ रखने वालों में से माने जाते हैं। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य उनकी ग्रामीण राजनीति में सदैव प्राथमिकता का बिंदु रहा है, जिसके लिए वह सदैव चिंतित भी रहते हैं। ग्राम पंचायत डी में चल रही हवा भी पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान पद प्रत्याशी काली चरण के गुणगान गा रही। अब देखना यह होगा कि यह हवा मतदान केंद्र तक क्या क्या गुण खिलाएगी। साथ ही यह सवाल भी है, यह हवा मतदान केंद्र तक पहुंचते पहुंचते पलटी न मार दे। जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है डी। ग्राम पंचायत डी में ग्राम सभा डी मिलाकर कुल 13 मजरे आते हैं। यह जनपद में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है। यदि ग्राम सभा व मेरी की बात करें तो ग्राम सभा डी मौनीखेड़ा, दरियाईखेड़ा, ललाऊखेड़ा, बेनीगंज, गंगाखेड़ा, पहलीखेड़ा, शिवदीनखेड़ा, गुलाबखेड़ा, मदऊखेड़ा, हिंदूखेड़ा, जवाहरखेड़ा, एघरा आते हैं। उन्नाव से ब्यूरो कपूर चंद की रिपोर्ट। प्रधान जी क्या नाम है आपका? हमारा कालीचरण नाम है। क्या इस समय प्रधानी में आप खड़े हैं? हाँ, प्रधानी में खड़े हैं। इससे पहले भी क्या आप प्रधान रह चुके हैं? हाँ, रह चुके हैं। आपने क्या क्या किस ग्राम सभा से आप प्रधान रह चुके हैं? हम यही डी ग्राम सभा से रहे प्रधान। आपने क्या क्या अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य कराया है? बहुत विकास कराया हमने, जितना यानी नाली खड़ंजा रहा है उतना सब करा दिया है हमने। 25-30 कुआं बनवा दिया और करीब 462-463 पेंशनें करा दिया और 452-453 हमने आवासीय पट्टा करा दिया। एक पैसा नहीं लिया किसी से। तो जनता आपको सपोर्ट कर रही है? जनता सपोर्ट कर रही है। चुनाव जीतने के बाद गांव के विकास के लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे? अरे जितना कार्य होगा वो सब कार्य करेंगे। अपने ग्राम सभा में ग्राम वासियों को कुछ शुभकामनाएं होली के प्लस में देना चाहते हैं? क्या शुभकामनाएं देंगे? अरे शुभकामनाएं वो हमारे घर के आदमी हैं, उनको हम सब शुभकामनाएं देंगे। घर के आदमी ऐसा कुछ थोड़ी है।